हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम धनाजी वाघ है। मैं आज आपको ये कैम्बोर ST700 के बारे में डिटेल्स दूंगा। सबसे पहले ये आपको मैं ड्रिल मशीन के बारे में बताऊंगा, उसके बाद हमारा कैम्बोर ST700 के बारे में डिटेल दूंगा, उसके बाद आपको इसका टेक्निकल क्या है वो सब दूंगा, उसके बाद डू एंड डोंट्स, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है और सेफ्टी प्रिकॉशन क्या क्या लेने हैं तो उसके बारे में डिटेल दूंगा। सबसे पहले आपको ये ड्रिल मशीन के बारे में बताता हूँ। ये हमारे पास ड्रिल डी वॉट का कॉर्डलेस ड्रिल मशीन है। ये है इसका ड्रिल मशीन। ये इसके साथ दो बैटरी आता है, एक मशीन के साथ ड्रिल मशीन के साथ लगाया हुआ है, एक यहाँ पे है। ये इसका चार्जिंग है बैटरी को चार्ज करने के लिए। ये ड्रिल के चेक को टाइट करने के लिए की है। इसके बाद आपको स्पार्टन 700 के बारे में बताऊंगा। ये कैम्बोर ST700 है। ये इसका ड्रम है, ये शंक है, ये चेक है, ये इसका स्प्रिंग है और इसके साथ ये अटैचमेंट करने के लिए शंक है। ये इसको स्प्रिंग है, यहाँ पे इसको ऐसे फिट करना है और ऐसे निकालना है दबा के। ये जो स्प्रिंग है इस स्लॉट में बैठता है। आपको ये ड्रिल के बारे में बताऊंगा सर। ये इसका ड्रिल है, डी वॉट कॉर्डलेस है। ये बैटरी जब आप नया आएगा तो बैटरी नहीं लगा होगा। इसको कैसे लगाना है, यहाँ पे स्लॉट है, लॉक हो गया और निकालते वक्त इसको प्रेस करना है और बैटरी बाहर खींच लेना है। अभी इसको घुमाने के लिए ये ट्रिगर है इसका, ये बीच में जो है ये लॉक है, अभी ये दबेगा नहीं। जब आप इसको करेंगे ये रिवर्स फॉरवर्ड, इसमें ये जब बटन को दबाएंगे रिवर्स फॉरवर्ड, दो डायरेक्शन है इसमें, रिवर्स और फॉरवर्ड। और इसमें जब हमको मशीन यूज करना है ये 15 पे सेटिंग रहना चाहिए और ये 1 पे रहना चाहिए। इसके साथ छेड़खानी नहीं करना है आपको। ये इसका एक्स्ट्रा बैटरी है, इसको चार्जिंग लगाने के लिए इसके साथ चार्जर दिया हुआ है। ऐसा लॉक होता है और जो आप जहां पे आपका चार्जर का प्लग है वहां पे चार्जिंग करना है। इसको 45 मिनट तक चार्जिंग के लिए रखना है। जब ये बैटरी डाउन हो जाता है तो अपने ड्रिल का स्पीड कम हो जाता है, तो समझना है कि चार्जिंग खत्म हो रहा है। तो एक बार आप चार्जिंग करने के बाद आपका एक ऑपरेशन कंप्लीट हो सकता है इसमें। ये कैम्बोर ST700 है। इसमें ये स्प्रिंग 8 mm का है। ये जब आप इसको टाइट करेंगे ये चेक को, ये लॉक हो गया, अभी बाहर नहीं आएगा। करेंगे ऐसा बाहर आता है। तो आपको काम करना है जिस पोजीशन में, जहां पाइप में, तो इसको टाइट करना है और फिर आपको ये करना है। इसमें ये 35 फीट का स्प्रिंग रहता है। अभी मैं ये मशीन कैसे असेंबली करना है उसके बारे में बताऊंगा। ये आपके पास ये बॉक्स आता है ड्रिल मशीन का, इसमें से ये ड्रिल निकालना है। सबसे पहले ये जो चेक है इसको लगाना है, इसमें शैंक को इसमें लगाना है। पहले इसको आप हाथ से टाइट कर दीजिए, उसके बाद ये ड्रिल का की है, इसी से तीनों को एक जैसा टाइट करना है। एक बार ये टाइट हो जाए फिर आप इसको फुल टाइट कर देना, ध्यान में रखिए तीनों भी टाइट। हाँ, तीनों एक साथ टाइट करना है, उतना ध्यान में रखना, क्योंकि ये हो गया आपका ये ड्रिल मशीन और शंक, इसके साथ अटैचमेंट टाइट करना है। ये टाइट होने के बाद आपको ये मशीन के साथ अटैच करना है। इसका होल्डिंग पोजीशन एक यहाँ पे,
एक यहाँ पे, ये इसका असेंबली हो गया है रेडी फॉर यूज। मैं के बारे में बताऊंगा, ये पीपी है, पीपीई पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। आपको सबसे पहले ये अपनी सेफ्टी देखना बहुत जरूरी है, हेलमेट पहनना है, कहीं भी काम कर रहे हैं आप हेलमेट पहनना है। हेलमेट, ये हेलमेट है, हैंड ग्लोव है, मास्क और गॉगल। सबसे पहला ये मास्क पहनेंगे आप, क्योंकि हमारा काम जो है ये हैजर्ड गैसेस में काम है, जो जो गैसेस आता है, तो हमको गैसेस के लिए हमको ये गॉगल और मास्क पहनना है। उसके बाद ये अपना ये है और हैंड ग्लोव। ओके, जहाँ पे आपका चौकअप है वहाँ पे मशीन लेके जाना है। पहला स्प्रिंग जितना हाथ से जाता है उतना डालना है उसमें, अभी अंदर नहीं जा रहा है। फिर यहाँ से आपको 200 mm तक लूप लेना है, इस चेक को टाइट कर देना है। फिर ये ट्रिगर जास्ती बाहर नहीं गए, हाँ इसको ज़्यादा बाहर नहीं निकालना है, क्योंकि ये अगर ज़्यादा बाहर निकालेंगे तो ये एक दूसरे में फंस जाएगा, क्रिंक हो जाएगा स्प्रिंग। इसलिए सिर्फ 200 mm का इस ये लेना है, लूप लेना है इसमें। फिर ये चेक टाइट हो गया, फॉरवर्ड में रखे मशीन, फिर वापस चेक लूज करना है। फिर यहाँ यहाँ तक जाता है, जहाँ पे आपका चोकअप आएगा, बेंड आएगा, वहाँ पे स्प्रिंग आगे नहीं जाएगा, वहीं पे चेक लॉक कर देना है। फिर वही फॉरवर्ड में लूप कम रखना है 200 mm तक, वापस स्प्रिंग लूप। ये हो गया, और जब वापस निकालना है आपको, अभी स्प्रिंग को वापस निकालने के लिए चेक टाइट कर देना है। मशीन आपको रिवर्स में डालना है, अभी जो फॉरवर्ड था वो रिवर्स में डालना है, और रिवर्स में करके इसको बाहर भी खींचना है धीरे धीरे। फिर जो ये स्प्रिंग आया हुआ है इसको अंदर डालना है, फिर से वापस चेक टाइट करना है। अगर हाथ से निकल रहा है स्प्रिंग तो ठीक है, अगर नहीं निकल रहा है तो मशीन ऑन करके आता है ना खींचना है, एक हाथ से बाहर खींचना है, एक हाथ से ड्रम में वापस डालना है। जहाँ पे स्प्रिंग नहीं आ रहा है वापस चेक लॉक करना है, स्लोली रिवर्स में धीरे धीरे बटन। आपका ऑपरेशन काम होने के बाद पूरा स्प्रिंग धो के रखना है, क्योंकि ये
इसको जब पानी मार देंगे स्प्रिंग भी अच्छा रहेगा, अपने को स्प्रिंग का लाइफ भी मिलेगा। इसको आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, डू एंड डोंट डू के बारे में बताऊंगा। तो पहले ये जब आप स्प्रिंग यहाँ पे डालते हैं, इसका लूप का ध्यान रखना है, लूप ज़्यादा नहीं रखना है। अगर ये लूप आप ज़्यादा रखेंगे तो ये ऐसा स्प्रिंग फंस जाएगा इसमें, इसलिए कम से कम लूप 200 mm तक रखना है, 150 से 200 mm, इतना आपके अंदाजे से 200 mm तक रखना है। उसके बाद जब आप बाहर स्प्रिंग निकाल रहे हैं उस समय ये रिवर्स में होना चाहिए, मतलब जो उसके अंदर जो ऑब्स्टेक स्प्रिंग में जो ऑब्स्टेक में जो अपना स्प्रिंग अटका हुआ है वो उससे रिवर्स में लेके वो निकल जाएगा। इसके बाद इसमें सबसे ज़रूरी सबसे मेन चीज़, ये जो ट्रिगर दबाना है आपको, ये धीरे धीरे दबाना है। ये देखिए ऐसे धीरे दबाना, जोर से दबाएंगे ऐसा झटका बैठता है और आपका इंजरी हो सकता है, इसलिए हमेशा इसको धीरे दबाना है और छोड़ते वक्त भी धीरे छोड़ना है। ये सबसे ज़रूरी बात है क्योंकि इससे अगर आप ज़ोर से दबाएंगे जोर से छोड़ेंगे तो आपको इंजरी वगैरह हो सकता है, उसका ध्यान रखना है सिर्फ आपको। बाद में ये जो बिठाया है पहले ये क्लियर करना है, ये ठीक से बिठाया है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है ये इधर उधर बिठा देता है कोई, जब आप घुमाते हैं ये लॉक होना चाहिए इस पोजीशन पे, निकालते वक्त भी इसको निकालना है। जब हम ये चेक बिठाते हैं इसमें तो ये तीनों एक साथ टाइट करना है इसको की में, और ये 15 पे सेटिंग होना चाहिए और ये 1 में रनिंग होना चाहिए। अगर ये सेटिंग आप कम रखेंगे तो स्लिपेज का आवाज़ आएगा, तो समझना है कि ये टॉर्क आपको सेट करना है और ये 1 पे रखना है। मशीन की सेफ्टी के लिए ये एक ज़रूरी है। और ये जो बटन है आपका, ये एक रिवर्स फॉरवर्ड का बटन है, ये इसको आप सेंटर में रखेंगे तो ये ट्रिगर दबेगा नहीं, लॉक हो जाएगा। जब आप काम नहीं करते तो सेंटर में रखिए, जब आपको काम करना है रिवर्स फॉरवर्ड।